नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा देव बलोदा ग्राम स्थित शिव मंदिर क्षेत्र में दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर 8 मार्च को दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, क्षेत्रीय विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, महापौर निर्मल कोसरे एवं सभापति कृष्णा चंद्राकर ने भगवान शंकर और देवी सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। नगर निगम भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र देव बलोदा वार्ड में कलचुरीकालीन पुरातन शिव मंदिर क्षेत्र में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 8 मार्च को कार्यक्रम का उद्घाटन दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के कर कमलों से हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री उषा बार्ले शामिल रहीं व कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा द्वारा किया गया। वहीं शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान मंच के माध्यम से नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त दशरथ सिंह राजपूत, महापौर निर्मल कोसरे व सभापति कृष्णा चंद्राकर के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सांसद विजय बघेल ने कहा कि आज से 22 वर्ष पूर्व नगर पालिका परिषद ने इस कार्यक्रम का आगाज किया था, जिस समय मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था, और आज आप सबके आशीर्वाद से जिले के प्रतिनिधि के तौर पर पुनः इस कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। साथ ही महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि देव बलोदा की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं। उपस्थित आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ आज हम इस देव बलोदा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। श्री कोसरे ने कहा कि बच्चों की परीक्षाओं का समय होने के कारण कार्यक्रम का समय रात 10 बजे तक निश्चित किया गया है, जिससे अध्ययनशील विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। सबसे पहले शिवरात्रि के पावन पर्व की सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर जो देव बलोदा हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा के इस पवित्र स्थल पर स्थित है, वहाँ देव बलोदा महोत्सव के आयोजन में हम सब उपस्थित हैं। हमारे माननीय कोसेवाड़ा जी, विधायक जी, हमारे महापौर निर्मल जी, सभापति कृष्णा जी, पूर्व अध्यक्ष भाई शशिकांत जी, उषा बार्ले जी, हमारे खिलावन वर्मा जी, और सब मिलकर हम लोग, ये हमारे चंद्रकांत पांडे जी, सभी पार्षद भाई बहन मिलकर ये संयोजन किया गया है नगर निगम के माध्यम से। और ये 22 साल पहले इसकी शुरुआत, जब मैं नगर पालिका का अध्यक्ष था, तब इसकी शुरुआत जो हुई वो सौभाग्यशाली हम लोग उस समय के हमारे सभी परिषद के भाई बहन पार्षद भाई बहन थे। और आज सौभाग्य के फिर से एक बार इन 22वें वर्ष में और लगातार हर वर्ष मुझे आने का सौभाग्य यहाँ मिलता है, ये मेरे जीवन का एक अमूल्य क्षण है कि मैं इस धरती का ही मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और यहीं से मैं पला बढ़ा और आज सांसद के रूप में हूँ। ये भोलेनाथ की कृपा और यहाँ के जन जन की कृपा से है। अविरल धारा ये बहती रहे और 22 साल तक जो लगातार इस कार्यक्रम को आज भी चला रहे हैं, आज के वर्तमान महापौर जी, इस पूरे परिषद को, नगर निगम परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी अधिकारी कर्मचारियों के, कि आप जन भावना के अनुसार इस कार्यक्रम को आज तक चलाते रहे और आगे भी चलता रहे, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हम सब यहाँ पर उसी भाव से आए हुए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा देवलोदा महोत्सव का आयोजन यह किया जा रहा है। लोगों का लगातार जुड़ाव हो रहा है, इनके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उनसे लोग जुड़ सकें, और नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र का यह देवलोदा प्राचीन नगरी है। यहाँ की पहचान न केवल छत्तीसगढ़ में अपितु विश्व के कोने कोने में भी देवलोदा की पहचान है, और नगर निगम के द्वारा यह सतरंगी आयोजन लगातार किया जाता है। इस वर्ष भी उसी तारतम्य में देवलोदा महोत्सव का आज शुभारंभ है और कल इनका समापन होगा। देवलोदा महोत्सव के पहले दिन गरियाबंद से पहुंचे भूपेंद्र साहू और उनकी टीम ने रंग सरोवर नाम के सुंदर मोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। गीत संगीत और नृत्य नाटक से भरपूर इस कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में क्षेत्र के महिला पुरुष एवं छोटे बच्चे भी मौजूद रहे।
जुड़े रहे हैं। और जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में तो बहुत अकन विधा है, कर्मा है, सुवा है, ददरिया है, रेलो है, पंथी है, चनैनी है, नाचा है। बहरहाल इस अवसर पर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।